ଗଚ୍ଛିତ ସୁନାର ସୁବିନିଯୋଗକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଗୋଲ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ମେଟାଲ୍ ଲୋନ୍ ସ୍କିମ୍। ସେହି ଦୁଇଟି ସ୍କିମ୍କୁ ସଂଶୋଧିତ କରି ଏକ ସହଜ, ସରଳ ଓ ଉଭୟ ସରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସ୍କିମ୍ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ 2015-16 କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ଏ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 2015 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଥିଲା, ଯାହା ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। 2016 ଜାନୁଆରୀ 21ରେ ସେହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯୋଜନାଟି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ 2015 ନଭେମ୍ବର 5ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ମେ କୋଇ ଯୋଜନା ବଜେଟ୍ ମେ ଆଏ ଔର୍ ଇତନେ କମ୍ ସମୟ ମେ ୟେ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଏ ଔର୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତୟ କିଆ ଗଏ ଧନତେରସ୍ କେ ପହେଲେ, କ୍ୟୁଁକି ଭାରତ ମେ ଶାଦୀ ମେ ସୋନେ କା ଜିତନା ମହତ୍ତ୍ୱ ହେ ଉସେ ଜ୍ୟାଦା ଧନତେରସ୍ ପର ହେ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट इन्हीं दिनों में हुआ होगा, क्योंकि लोगों को लगता होगा भाई बहुत बड़ा मार्केट खुलने वाला है। तो हमको अब ये देखिए, 1000 टन सोना हर वर्ष हम इम्पोर्ट करते हैं और ये इतनी बड़ी शक्ति हमारी अगर बिना उपयोग की पड़ी रहे, किसी ने कोई बहुत बड़ा जलाशय बनाया हो, डैम बनाया हो, अरबों खरबों रुपये खर्च किए हो, लेकिन अगर कैनाल नेटवर्क न हो और किसानों के पास पहुंचेगा नहीं तो क्या करना उसको। ये हमारा 20,000 टन सोने की यही हाल है जी। हमें इसको राष्ट्र की शक्ति में परिवर्तित करना है और सामाजिक सुरक्षा में अधिक बलवान बनाना है। इसके एक पहलू नहीं संभव होगा, ये सामाजिक सुरक्षा का उसका जो पहलू है उसको हमें और स्ट्रेंथन करना है और राष्ट्रीय विकास की यात्रा में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सके, इस प्रकार का हमने विश्वास जताना है, मेकानिज्म बनाना है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना सरकारी भाव में लॉन्च करा जिबार मात्र एक वर्ष मध्य रे, अर्थात 2016 डिसेंबर 10 सुधा देश में मोट 5781 किलोग्राम सुना को मोनेटाइज करा जाय परथिला। एथिरे केवल घरे रहितिबार सुना नुहे, विभिन्न मठ मंदिर बा देवालय रे थिबा सुना मध्य अंतर्भुक्त थिला। ତେବେ କୌଣସି ଦେବାଳୟ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ନିହାତି ଭାବରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।